खरगोन शहर के बस स्टैंड पर बुधवार की सुबह लावारिस बैग की सूचना मिलते ही हड़कंप मच गया। बैग की सूचना जैसे ही पुलिस को मिली तो उन्होंने बस स्टैंड पुलिस चौकी के नीचे दाहिनी ओर का हिस्सा खाली कर सील कर दिया। मामले की जानकारी बम स्काउट को दी गई, जो कि कुछ ही मिनटों में पहुंच गई। यह स्कूल बैग पुलिस चौकी के नीचे बाइकों के नजदीक रखा हुआ था। यह सब मॉक ड्रिल का हिस्सा था। टीम प्रभारी संजय मोरी ने बताया, यह प्रक्रिया आगामी चुनावों और त्योहारों पर सुरक्षा की दृष्टि से किया जा रहा है। बम स्क्वाड टीम सुबह 11 बजे पहुंची थी। लावारिस बैग की तलाशी लेने से पहले सिफर डॉग की मदद ली, वो भी बैग को सूंघकर कुछ देर बाद वापस आ गया। इसके बाद बम सूट पहने एक सदस्य मेटल डिटेक्टर के साथ पहुंचा और बैग में बम होने की पुष्टि की। इसके बाद एक्सरे मशीन से इमेज निकाली गई। कुछ देर बाद बम को एक छड़ी की मदद से उठाकर बम ट्रॉली तक ले जाया गया। इसके बाद बॉक्स में रख टीम बम ले गई, जिसके बाद सभी ने राहत महसूस की। टीम के पास जेमर सहित कई आधुनिक उपकरण थे। अभी क्या है कि कहीं जगह ऐसे ब्लास्ट वगैरह हो रहे हैं, तो उसको देखते हुए पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा बताया गया कि आप लोग भविष्य में होने वाली चीजों से पहले अवेयर हो जाए और अपनी तैयारी पहले रखें। इस बेस पे हम लोगों ने पुलिस अधीक्षक महोदय के आदेश पे ये मॉक ड्रिल ऑर्गेनाइज किया। आज कौन कौन सा इक्विपमेंट इस्तेमाल किया गया? हमारे पास है प्रोडर है, मिरर है, एलएसडी है, डीएसएमडी है, जैमर है, जो सारे वो आपका मोबाइल वगैरह सारे हैक कर दिए जाते हैं जिससे। उसके बाद बम ट्रॉली है जिससे हम आईडी को उठा के लेके गए हैं। डॉग है, एक्सरे है जिससे हम आईडी के अंदर क्या क्या मैकेनिज्म लगा है उसको पता किया जाता है, जिससे वो सारी चीजों से हम लोगों ने ये किया है। अभी इस तरह से ये है कि आप लोग बिल्कुल निश्चित रहे, हम लोग किसी भी आने वाली आपदा जो भी होगी उसके लिए हम बिल्कुल तैयार है। पुलिस प्रशासन बिल्कुल तैयार है कि आप लोगों को डरने की कोई जरूरत नहीं है। किसी प्रकार की आपदा आएगी हम लोग तैयार है उसके लिए। विधानसभा चुनाव में भी हो सकता है कुछ हुड़दंगियां होते हैं जो उल्टे सीधे काम करने के लिए तैयार रहते हैं, कुछ करते ही रहते हैं, तो हो सकता कुछ गलत मैसेज डालने के लिए वो करें, तो उसके लिए हम लोगों ने ये प्रैक्टिकल किया है और तैयारी भी की है और आने वाले दिनों में और होता रहेगा इस तरह का। भीड़भाड़ वाले क्षेत्र में अनावश्यक वस्तुएं जो पड़ी रहती है उनको लेकर क्या संदेश देना चाहिए? उनको लेके पहले तो ये रहता है कि उसको खुद देख ले कि वो संदिग्ध तो नहीं है, काफी दिनों से तो नहीं पड़ा है। अगर है तो उसके लिए पास में पुलिस स्टेशन है या सिक्योरिटी जो भी है उनको सूचना दे, पुलिस कंट्रोल रूम है वहाँ बता दे, ताकि वो हमें सूचना दे तो कल वहाँ पहुँच जाए उस चीज के लिए। डिजियाना न्यूज डिमांड रिपोर्ट खरगोन। निमाड़ की पल पल की खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारा चैनल डिजियाना न्यूज निमाड़ को सब्सक्राइब जरूर करें।